हे स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से यहाँ आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हमने टॉपिक लिखा हुआ है कॉमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात करी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, उनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बैटरीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, कॉमर्शियल सेल्स भी इनको बोल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बैटरी बनाई भी हुई है, दिस इज़ ड्राई सेल। तो लेट वी स्टार्ट आर टॉपिक, व्हाट आर बैटरीज या व्हाट आर कॉमर्शियल सेल। बैटरीज और कॉमर्शियल सेल्स क्या होती हैं? तो बैटरीज क्या होती हैं, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मींस दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब कंबाइन कर दी जाती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ऐसे कॉम्बिनेशन को, ऐसे सेटअप को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड बैटरीज। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, हमने बहुत बार बात कर ली, जिसमें केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में। और जो बेसिस होता है, बेसिस ऑफ बैटरीज इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन अकरिंग इन सेल्स। सेल्स में जो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, उन्हीं के कारण बैटरीज क्या करती हैं, वर्क करती हैं। मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकरिंग इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म द बेसिस ऑफ द बैटरीज। तो बैटरीज ये होती हैं। तो अगर हम बात करें टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ बैटरीज, बैटरीज बेसिकली दो तरीके से डिफाइन करी गई हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्राइमरी बैटरीज, सेकेंड वन इज कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। बैटरीज को बच्चे दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक प्राइमरी बैटरीज, दूसरा सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, ऐसी बैटरीज जिनको सिर्फ आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द बैटरीज वंस ओनली, हम इनको सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। अगर मैं आपसे एग्जांपल कहूँ, जो हमारा टाइम पीस होता है उसके अंदर जो सेल होते हैं वो प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल होते हैं। टॉर्च के अंदर जो सेल होते हैं वो प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल होते हैं। ठीक है। हमारी जो वॉच होती है उसके अंदर जो छोटा सा बटन सेल होता है, मर्करी सेल जो होता है, वो भी प्राइमरी बैटरी का ही एग्जांपल है। मींस ऐसी बैटरीज, ऐसे सेल्स जिनको बार बार रिचार्ज ना किया जा सके, एक बार वो यूज़ की जा सके, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, कंज्यूम हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। और सेकेंडरी बैटरीज, दीज आर द बैटरीज, दीज आर द सेल विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। बट ऐसा नहीं है कि बैटरी की जो लाइफ टाइम होती है सेकेंडरी की, वो इनफाइनाइट होती है, नहीं। उसका भी एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होता है, 5 साल, 7 साल, 3 साल, वो डिपेंड करता है किस तरीके की बैटरी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ बैटरीज, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी। इज अ प्राइमरी बैटरी दो सेल्स विच कैन नॉट बी recharged again, they become dead after the use of one time। ठीक है ना, एक बार यूज करने के बाद वो डेड हो जाते हैं। और सेकेंडरी बैटरीज, those बैटरी which can be recharged, जिनको आप used again and again, यूज अगेन एंड अगेन, ऐसी बैटरीज जिनको आप रिचार्ज कर सकें, जिनको आप दोबारा यूज़ कर सकें कुछ टाइम के लिए, उनको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी बैटरीज। लेकिन प्राइमरी बैटरीज को दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर हम बात करें कि कोई भी जो बैटरी है उसकी लिमिटेशन क्या होती हैं, या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए। देखिए बच्चे, अगर हम किसी भी बैटरी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि कोई भी बैटरीज अगर आप ले रहे हैं, कोई भी बैटरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पहली बात तो वो हल्की हो, पोर्टेबल हो, मींस लाइट वेट में हो, पोर्टेबल हो, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना उसको क्या हो, आसान हो। दूसरी चीज़, चीप होनी चाहिए, सस्ती हो। तीसरा,
उसके जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। वोल्टेज क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होगी तो उससे क्या होगा, बैटरीज वर्क करेंगी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो सेल का ईएमएफ है वो ड्रॉप करना शुरू कर देगा। मीन्स ख़त्म होना जब शुरू होगी तो वो एक साथ ख़त्म नहीं होगी, मीन्स धीरे धीरे जब वो ख़त्म होगी तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप करता जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ड्राई सेल की ही बात करूँ, जैसे हम टॉर्च में हमने सेल डाल दिए तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में जब हमने डाले हैं तो वो बहुत तेज़ लाइट देते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप सेल को चाहे यूज़ करें चाहे ना यूज़ करें, आपने टॉर्च को रख दिया सिर्फ सेल डाल के और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं वन मंथ तक, आफ्टर दैट आप देखते हैं ऑटोमेटिकली उसकी जो लाइट है वो स्लो हो जाती है। मीन्स जो वोल्टेज थी उसकी वो कांस्टेंट नहीं थी, वो धीरे धीरे ड्रॉप हो रही थी, ठीक है ना। तो वोल्टेज क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसे ही जो बटन सेल होते हैं, जैसे जो हमारी वॉचेज में सेल होते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो आप देखते हैं या तो हमारी घड़ी चलती है या एकदम से रुक जाती है, तो वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है। लेकिन उल्टा अगर हम अलार्म के अंदर जो सेल होता है उसकी बात करें या फिर वॉल क्लॉक के अंदर जो सेल होता है उसकी बात करें तो आप देखते हो कि सेल एकदम से ख़त्म नहीं होता, टाइम धीरे धीरे पीछे रहना शुरू हो जाता है। मान लिया 1 बजे है तो वो शो करेगा कि 10 बजे हुए हैं या 11 बजे हुए हैं, मीन्स वहाँ पर जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं थी, इसीलिए वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण वो धीरे धीरे वर्क कर रही है, वर्क लेकिन धीरे धीरे कर रही है, ठीक है ना। लेकिन जो बटन सेल होगी वो या तो काम करेगी या फिर रुक जाएगी, क्यों? क्योंकि उसकी वोल्टेज कांस्टेंट होती है। समझ आ रही है? तो इस तरीके से आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज में से, सिर्फ प्राइमरी बैटरीज की। सेकेंड जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम सेकेंडरी बैटरीज की बात करेंगे। तो हमने कहा कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पोर्टेबल होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए और वोल्टेज कांस्टेंट हो तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज वी हैव टू फेस प्रॉब्लम विद दैट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सेल्स की, प्राइमरी बैटरीज। तो उसमें जो हम पढ़ेंगे प्राइमरी बैटरी में, फर्स्ट ड्राई सेल, इसको लैक्लांचे सेल भी बोल सकते हैं या बेस्ड ऑन लैक्लांचे सेल, बेस्ड ऑन लैक्लांचे सेल, ठीक है। दूसरी जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मरकरी सेल, मरकरी सेल, इसको बटन सेल भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बटन सेल। तो आज हम इन दोनों की ही यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ड्राई सेल। नाम ड्राई का मीनिंग ये नहीं है कि सेल ड्राई होती है, क्योंकि अगर ड्राई हुई तो वो वर्क नहीं करेगी, मतलब ये तो एक मिजनोमर है, ड्राई वैसे नेम दे दिया गया है बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट ड्राई। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था, मैंने एक ड्राई सेल पहले ही बनाई थी। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ड्राई सेल है, इट इज़ मेड अप ऑफ जिंक कंटेनर, इट इज़ मेड अप ऑफ जिंक कंटेनर विच इज़ एक्टिंग एज एनोड। ये जो जिंक कंटेनर है वो किसकी तरह काम करता है? एनोड की तरह काम करता है। यहाँ पर बीच में एक रोड लगी हुई है, ये जो रोड है दिस इज ग्रेफाइट रोड, दिस इज अ ग्रेफाइट रोड जो किसका काम कर रही है? इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड। किसका काम कर रही है? कैथोड का काम कर रही है। यहाँ पर पेस्ट भरा हुआ होता है इस वाले पोर्शन में, जिसको क्या, किस किस चीज़ का पेस्ट होता है? दिस इज अमोनियम क्लोराइड मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ जिंक क्लोराइड, मीन्स अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड पेस्ट, जो कि किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कैथोड के बिल्कुल साइड में भी एक पेस्ट भरा हुआ है। ये जो पेस्ट है ये MnO2 और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन का पेस्ट होता है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट की ही तरह काम करता है, ठीक है। ये यहाँ पर मेटल कैप लगी हुई है। और अगर हम बात करें ये जो सेल होती है इसके बाहर ऐसे यहाँ पर कार्डबोर्ड शीट भी लगी होती है। यहाँ पर क्या लगी होती है? कार्डबोर्ड शीट,
ठीक है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन होगी बेसिकली। अगर बच्चे बात करें कंस्ट्रक्शन कभी नहीं पूछी गई आज तक की, कभी ये पूछा गया ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन करके बताइए, लेकिन हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एक ड्राई सेल कैसी होती है। हमने कहा जिंक कंटेनर की बनी होती है। जिंक कंटेनर यहाँ पर किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। इसके अंदर जो ग्रेफाइट की रोड होती है वो कैथोड का काम करती है, ठीक है। मेटल क्लैप लगी हुई है यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ पर दो तरीके के पेस्ट हैं, एक पेस्ट है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, और जो दूसरा पेस्ट है जो बिल्कुल ग्रेफाइट के लगते ही है वो किसका है, MnO2, जो कि ब्लैक कलर का होता है एंड साथ में कार्बन इसका पेस्ट होता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इसका पेस्ट होता है, तो ये भी इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रो केमिकल सेल विच इज अ ड्राई सेल विच इज अ प्राइमरी सेल, ठीक है, जो कि प्राइमरी सेल है। तो बच्चे यहाँ पर हम बात करते हैं वर्किंग की, हाउ इट वर्क। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। पहला कि व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड, या व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक क्लोराइड, यहाँ पे इसका क्या रोल है, जिंक क्लोराइड क्यों ऐड करते हैं, इसका क्या रोल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इसकी जो वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है, व्हाई द वोल्टेज इज नॉट कांस्टेंट। एनोड और कैथोड कौन होते हैं, और फिर एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं फिर भी ये सेल ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल दिया, आपने रेडियो अभी तो खैर कोई यूज़ नहीं करता है, ओल्ड टाइम में रेडियो यूज़ करते थे, है ना, तो वहाँ पर क्या करते थे, सेल जो यूज़ करते थे वो ड्राई सेल यूज़ करते थे। तो स्टार्टिंग में जब रेडियो में सेल डालते हैं तो मान लिया कोई भी चीज़ चल रही है, कोई गाना चल रहा है, तो वो नॉर्मल स्पीड पे चल रहा होता था। लेकिन जैसे जैसे हम 2, 4, 5, 10, 15 दिनों तक उसको कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रहे हैं या यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, आफ्टर 15 डेज, 20 डेज जब हम रेडियो को ऑन करते थे तो वहाँ पे क्या होता था, जो सोंग जो नॉर्मल उसकी पिच होती थी उससे डिक्रीज हो जाती थी, तो सोंग ऑटोमेटिकली स्लो मोशन में चलना शुरू कर देता था। और उसका रीज़न क्या था, क्योंकि जो ड्राई सेल की वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं होती। आपने रेडियो में सेल जो थे उसको यूज़ भी नहीं किया, इन स्पाइट ऑफ दैट वो कंज्यूम हो रहे हैं। वाई दिस हैपन, कि बिना यूज़ करे भी क्यों कंज्यूम हो रहे हैं। टॉर्च में सेल जो होते हैं उनकी भी लाइट ऑटोमेटिकली डिम हो जाती है, वो भी क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं, जबकि हमने उनको यूज़ नहीं किया है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से कि सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ठीक है, इसकी वोल्टेज कितनी है, ये किस टाइप की सेल है, ठीक है, इतनी बातें हम बात करेंगे। तो हमने कहा यहाँ पर जो एनोड है वो कौन है, जिंक कंटेनर है विच एक्ट एज एनोड, जिसपे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये भी हमें मालूम है। कैथोड कौन है, ग्रेफाइट रोड या कार्बन रोड, कार्बन रोड जिसपे क्या होगा, रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, अमोनियम क्लोराइड एंड ZnCl2 का पेस्ट एंड MnO2 एंड कार्बन पेस्ट, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह यहाँ पर काम करते हैं। वोल्टेज जो इसकी होती है वो होती है 1.5 से लेकर 1.25 तक, 1.5 से लेकर 1.25 तक इसकी वोल्टेज होती है। अगर हम टाइप की बात करें तो ये कैसी है, प्राइमरी सेल है या प्राइमरी बैटरी है। तो इतनी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये कैनोड है, कैथोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, वोल्टेज कितनी होती है, 1.5 से लेकर 1.25 इसकी वोल्टेज होती है। और धीरे धीरे अगर हम बात करें मिनिमम वोल्टेज, मतलब ये ख़त्म कब हो जाती है, ये जो डिस्चार्ज हो जाती है बिल्कुल ख़त्म, जब इसकी वोल्टेज 0.8 वोल्ट तक डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, जिसको हमें याद रखना है कि जिंक कौन है, ग्रेफाइट रोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ठीक है। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमसे पूछते हैं वो क्या, कि रिएक्शन अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड, रिएक्शंस अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड पर किस तरीके की रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एट एनोड,
एनोड पे हमने कहा जिंक जो है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू जेड एन टू पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। जिंक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या हुआ, जिंक जेड एन टू पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। जिंक जीरो से प्लस टू में जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन है। देन एट कैथोड, कैथोड क्या रिएक्शन होती है कैथोड पे, कैथोड पे बच्चे जो अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ओबियस आयनाइज हो जाएगा, और जो हमने MnO2 लिया है ब्लैक कलर का जो पेस्ट है, साथ में बाय टेकिंग टू इलेक्ट्रॉन इट गेट कन्वर्टेड इनटू MN2O3 NH4 पॉजिटिव एंड कन्वर्ट इनटू अमोनिया एंड वाटर। यहाँ पे किस किस चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, अमोनिया गैस बन रही है, वाटर बन रहा है, MN2O3 बन रहा है, MnO2 से NH4 पॉजिटिव अमोनिया में चेंज हो रहा है। तो बच्चे अगर मैं यहाँ पे ऑल ओवर रिएक्शन की बात करूँ, या यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर हो क्या रहा है कैथोड पर, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस फोर, ऑक्सीजन की माइनस टू है, तो मैग्नीज किस में चला गया, प्लस फोर में। और यहाँ पर अगर आप निकालेंगे थ्री टू ज़ा सिक्स डिवाइडेड बाई में टू, यानी कि मैग्नीज किस में चला गया, प्लस थ्री में। तो मैग्नीज प्लस फोर से प्लस थ्री में जा रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। और अगर मैं ऑल ओवर रिएक्शन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चले गए और यहाँ पे क्या होगा, जेड एन प्लस एन एच फोर पॉजिटिव प्लस एम एन ओ टू गिव जेड एन टू पॉजिटिव प्लस एम एन टू ओ थ्री प्लस अमोनिया एन एच टू ओ, दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। तो बच्चे ये चीज़ तो आपको बहुत मतलब आप ये मान के चलिए तो याद रखनी ही है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ही यही बनते हैं कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रोड पर रिएक्शंस क्या हो रही है, मतलब कैथोड और एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। तो हमने कहा एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है, और इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो रही है, कैरी आउट हो रही है। इस रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये जो NH4Cl है, जिंक MnO2 ये सब मिलके यहाँ पर क्या बना लेते हैं बच्चे, MN2O3 प्लस वाटर, और साथ में यहाँ पर बनता है क्या, NH3 टू जेड एन और सी एल टू कॉम्प्लेक्स। किस चीज़ की फॉर्मेशन हुई, देखिए एक्चुअली ये रिएक्शन बैलेंस होगी, तो दिस वन टू टू अमोनिया एम एन टू एच टू ओ, नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस। तो यहाँ पे कितने हो गए, टू इलेक्ट्रॉन, देन लाइक दिस। तो रिएक्शन बैलेंस हुई इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस फोर से प्लस थ्री में गया था, एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया होगा, तो इस पूरी रिएक्शन को हमने क्या किया होगा, टू से मल्टीप्लाई, टू इलेक्ट्रॉन के लिए। तो रिएक्शन को जब हमने बैलेंस किया तो दैट इज टू, चार तीन दूनी छः और दो आठ और चार दूनी आठ, यस रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अमोनियम क्लोराइड टू मोल्स, जिंक एम एन ओ टू एम एन टू, और यहाँ पर देखिए क्या बना, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ये भी ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या निकल रहा था, अमोनिया गैस निकल रही थी, क्या निकल रहा था, अमोनिया गैस। अब होता क्या, जैसे ही रिएक्शन हो रही थी अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज हो रही थी। अब हमने कहा कि ये जो बाहर से क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ इस पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन, यानी कि जिंक विद टाइम कोरोड होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रिएक्शन वर्क करती है, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होता है, ये एक पूरा का पूरा जो जिंक कंटेनर है ये पोरस बन जाता है, मतलब इसके अंदर सारे के अंदर क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है विद टाइम। तो उस कंडीशन में ये जो यहाँ से अमोनिया भी जो बन रही है वो क्या करेगी, गैस है, प्रेशर क्रिएट करेगी सेल के ऊपर, और जो प्रेशर क्रिएट करेगी सेल क्या करेगी, इट ब्रस्ट, फूट जाएगी, मतलब आप बोल सकते हो फट जाएगी, है ना, ऐसी कंडीशन में वो काम करना वैसे ही बंद कर देगी। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेड एन सी एल टू इन दिस रिएक्शन, तो अमोनिया जेड एन सी एल टू का रोल क्या है यहाँ पर। ये जो हम जेड एन सी एल टू ऐड करते हैं, एक्चुअली में ये जेड एन सी एल टू क्या करता है, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स को बनाने में सहायता करता है, इट हेल्प इन फॉर्मिंग दिस कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, सॉलिड है, जो गैस निकल रही थी उसको एंट्रैप कर लेता है,
जिसके कारण प्रेशर ऑफ द सेल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और इट प्रिवेंट द ब्रस्टिंग ऑफ द सेल। ये सेल की ब्रस्टिंग को रोकता है, यानी कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक रिएक्शन और हम रोल ऑफ ZnCl2 करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो रोल ऑफ ZnCl2 इन दिस रिएक्शन क्या रोल है, यहाँ पर तो देखिए ये जो जिंक है ये क्या करता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर हम MnO2 के पेस्ट के साथ भी, तो ये अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, चाहे सेल वर्क भी नहीं कर रही हो, अमोनियम क्लोराइड क्या करता है, इस जिंक के कंटेनर को कोरोड करता रहता है, क्या करता रहता है, इस जिंक कंटेनर को कोरोड करता रहता है, जिसके कारण ये जो पोरस हो जाता है और लीकेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण सेल स्टॉप वर्किंग, ठीक है ना, रुक जाता है, उसका काम ही रुक जाता है, वर्किंग रुक जाती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन होती है Zn NH3 4 Cl2 प्लस ZnCl2 एंड हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे 2 ZnCl2 2, तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है। मींस यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इवन व्हेन वी आर नॉट यूजिंग ड्राई सेल, आफ्टर सम टाइम इट बिकम डेड और इट इज कंज्यूम्ड। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम यूज भी नहीं कर रहे हैं फिर भी कुछ टाइम के बाद वो डेड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ऐसा क्यों है? देखिए इसका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता है इसका नाम होता है, दिस इज Zn NH3 2, डाइक्लोरो या क्लोराइडो, दैट इज जिंक सेकेंड। मीन जिंक की जो वैलेंसी है वो कितनी है, जिंक की जो वैलेंसी है वो कितनी है, दैट इज 2। तो जिंक का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और हमने कहा ये कॉम्प्लेक्स इसलिए किस में सहायता करता है, प्रिवेंट द ब्रस्टिंग ऑफ द सेल, इट प्रिवेंट द ब्रस्टिंग ऑफ द सेल। तो इसका नाम है डाइअमाइन क्लोराइडो जिंक, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसका नाम है टेट्राअमाइन जिंक सेकेंड क्लोराइड। इसका नाम क्या है, टेट्राअमाइन जिंक सेकेंड क्लोराइड। ये जो नेमिंग है बेटा, एक्चुअली में ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग हम चैप्टर 9th में सीखेंगे कि किस तरीके से आप कैटायन और एनायन जो होते हैं, एनायनिक और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनको कैसे नेमिंग देते हैं। नाम याद रहे कोई इशू नहीं है, तो आप यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिख देना। वैसे भी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ऑटोमेटिकली आपको इसका नाम अपने आप देना आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या रोल है ZnCl2 का, यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला हमने कहा कि इवन व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द सेल, आफ्टर सम टाइम सेल बिकम डेड। वाई, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है इट स्टार्ट कोरोडिंग या इट ऑलवेज कोरोड द जिंक कंटेनर इवन वी आर नॉट यूजिंग इट, ठीक है ना, बिकॉज अमोनियम क्लोराइड कोरोड जिंक कंटेनर इवन व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इट, ठीक है, उससे क्या होगा, जिंक कंटेनर बिकम पोरस एंड सेल स्टॉप वर्किंग, ठीक है, सेल क्या हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, क्योंकि लीकेज हो जाएगी, सेल में क्या होगी, लीकेज हो जाएगी और सारा इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल आ जाएगा। कभी कभी अगर आपने नोटिस किया हो, कोई सेल अगर आपने देखा हो, तो यहाँ पे ऐसे वाइट कलर का पेस्ट डिपॉजिट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग हो गई, खत्म हो गई ये सेल कंप्लीटली, ठीक है। तो पहला तो ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जिंक कंटेनर को कोरोड करता रहता है। अब हमने बात करी कि रोल क्या था ZnCl2 का, देखिए इस रिएक्शन में ZnCl2 रिलीज हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बाहर से ZnCl2 ऐड कर दूंगी, तो अकॉर्डिंग टू लीच रिले प्रिंसिपल की रिएक्शन क्या करेगी, इट विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मींस जो ये अमोनियम क्लोराइड जिंक को खा के ये कॉम्प्लेक्स बना रहा था, तो यहाँ पर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड के इफेक्ट को थोड़ा सा कम करेगी,
अब वो जिंक कंटेनर को कोरोड थोड़ा सा कम करेगा, दैट इज वाई यूज. और दूसरा रोल हमने क्या कहा कि इट हेल्प इन मेकिंग कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया गैस एंड हेंस प्रिवेंट ब्रस्टिंग ऑफ द सेल. तो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ द ड्राई सेल. बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पर कार्डबोर्ड की शीट बनी होती है, यार कहता है कि अगर हमें ऐसी सेल चाहिए जो कि लीक ना होती हो, लीक प्रूफ सेल होती हो, तो वहाँ यहाँ पर जिंक, यहाँ पर जो ये कार्डबोर्ड की शीट लगी हुई है इसकी जगह या तो आयरन की शीट होती है या फिर स्टील की शीट होती है, जिसके कारण ये जो लीकेज हैं वो नहीं होगी और जो सेल है वो आपके प्रॉपर तरीके से वर्क करना शुरू करेगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्राई सेल. यहाँ पे एक क्वेश्चन और, अगर आपने देखा हो, ये कहते हैं कि सेल को अगर हम थोड़ी देर के लिए धूप में रख देते हैं, ठीक है, या उसको हीट कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा और काम करना शुरू हो जाता. बट ऐसा इसलिए होता है, अगर आपने देखा हो जो फर्स्ट रिएक्शन थी उसमें वाटर रिलीज हो रहा था. अब जैसे आप उसको धूप में रखते हैं तो वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है वहाँ से, और जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो हमें मालूम है कि जो रिएक्शन है वो क्या करेगी, इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट इज वाई रिएक्शन जब शुरू हो जाएगी, क्योंकि वाटर वहां से निकल गया है, कुछ वाटर इवेपोरेट हो गया, तो रिएक्शन स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दैट इज वाई आफ्टर कीपिंग द सेल फॉर सम टाइम इन हीट इन सनलाइट इट वर्क फॉर अ टाइम लॉन्गर, है ना, थोड़ा सा और ज़्यादा लंबे समय तक काम करेगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द ड्राई सेल. तो हम बात करेंगे नेक्स्ट किसकी, मर्करी सेल क्या होती है, बटन सेल क्या होती है. तो मर्करी सेल यानी कि प्राइमरी बैटरीज, सेकंड जो हम कर रहे हैं वो है मर्करी सेल. इसको रूबेन मैलोरी सेल भी बोलते हैं, इसको बटन सेल भी बोलते हैं. तो बेसिकली आपने देखा होगा हियरिंग एड्स के अंदर, वॉचेस के अंदर और कैमरा वगैरह के अंदर ये मिलती है हमें, छोटी सी बटन सेल, सबने देखी भी होंगी वॉचेस के अंदर. तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगेन एनोड क्या होती है, यहाँ पर कैथोड क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसकी वोल्टेज कितनी होती है, इसका टाइप क्या होता है, ठीक है, और फिर केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं एनोड और कैथोड पर, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो यहाँ पर जो एनोड है वो अगेन एक जिंक कंटेनर होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है. जो कैथोड होती है वापिस एक ग्रेफाइट और कार्बन रोड होती है. और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो HgO का पेस्ट होता है और साथ में KOH इसके अंदर मिक्स होता है, यानी कि HgO एंड KOH का पेस्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, ठीक है, टेक्टेज इलेक्ट्रो. और जिसकी वोल्टेज होती है वो 1.35 वोल्ट यानी कि कॉन्स्टेंट वोल्टेज होती है किसकी, मर्करी सेल की. और जो टाइप है वो प्राइमरी टाइप है, इट इज़ अ प्राइमरी सेल जिसकी वोल्टेज कॉन्स्टेंट है. और अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड, किस तरीके से रिएक्शन होंगी, तो बटन सेल बच्चे आप सबने देखी हुई है, आप उसका कंस्ट्रक्शन बुक में से देख सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है. नो नीड, अगेन मैंने कहा कंस्ट्रक्शन नहीं पूछते आपसे, यही पूछेंगे एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, वोल्टेज कॉन्स्टेंट होती है कि नहीं होती, कितनी होती है, टाइप कैसा है, और केमिकल रिएक्शन बेसिकली अकरिंग एट एनोड एंड कैथोड. तो अब हम बात करेंगे क्या कि कौन कौन सी रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं. तो एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एनोड पे, वो क्या होती है, Zn बाय रिएक्टिंग विद द पेस्ट ऑफ OH नेगेटिव आयन गेट कन्वर्टेड इनटू ZnO प्लस H2O एंड लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. एनोड पे ये रिएक्शन होती है कि जिंक बाय रिएक्टिंग विद OH नेगेटिव फॉर्म ZnO H2O प्लस इलेक्ट्रॉन. और दूसरी साइड क्या होता है, जो HgO होता है इट रिएक्ट विद H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू Hg प्लस 2OH नेगेटिव. तो अगर आप इस पूरी रिएक्शन को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, वाटर से वाटर चला जाता है, 2OH से 2OH चला जाता है. जो पूरी रिएक्शन है वो क्या हुई, Zn प्लस HgO गिव्स
ZnO plus Hg. Means जिंक जीरो से प्लस टू में, मरकरी प्लस टू से किस में, जीरो में. मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, एट कैथोड. और ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन. ये क्या है, ओवरऑल रिएक्शन. तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन में देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर कोई आयन्स इन्वॉल्व नहीं होते. मीन्स नो आयन्स आर इन्वॉल्व इन ओवरऑल रिएक्शन. ओवरऑल रिएक्शन, दैट इज वाई इट्स वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, इट्स वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट. मैंने प्रीवियस अभी बात करी थी हमने थोड़ी देर पहले कि जो हमारी ड्राई सेल होती है उसका जो एंड पॉइंट होता है वो 0.8 वोल्ट होता है. मतलब कब तक वर्क करेगी, एंड पॉइंट का मतलब होता है जब तक वो वर्क कर सकती है, मतलब 0.8 वोल्ट तक. अगर इससे नीचे उसकी वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी तो वो डेड हो जाएगी. ठीक है, लेकिन इसकी जो वोल्टेज होती है वो कांस्टेंट होती है. ये 1.35 वोल्ट कांस्टेंट वोल्टेज देगी, जब तक देगी इतनी ही देगी, और जब नहीं देगी तो ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएगी. तो दैट इज़ वाई ये वाली सेल जो ड्राई सेल होती है उससे ज़्यादा बेटर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वोल्टेज हमें ऑब्टेंड होती है, वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं करती या फिर डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होती है. तो दिस इज द ऑल ओवर रिएक्शन. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है एनोड कैथोड क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी. बस इतना सा ही, इसमें कुछ और खास क्वेश्चन बनता भी नहीं है. यही पूछ सकते हैं कि ओवरऑल रिएक्शन, इसकी वोल्टेज कांस्टेंट क्यों होती है, क्योंकि हमने आयन्स इन्वॉल्व नहीं होते जो कि बार बार, जिसके कारण वोल्टेज फ्लक्चुएट करे. ठीक है, और जो यहाँ पे जो मरकरी होता है, वैसे ये पॉइजनस होता है, इस मरकरी को क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है बाद में जब ये सेल ख़त्म हो जाती है. उसके लिए बढ़िया मेथड होने चाहिए, क्योंकि जो मरकरी होती है वो पॉइजनस होती है, तो उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज इट पॉल्यूट द एनवायरमेंट. तो बच्चे नेक्स्ट जब हम लेक्चर करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि इसकी सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं. ये आज हमने बात करी प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं. हैव अ नाइस डे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर.